हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट किचन हिंदी में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल खिचड़ी की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। मूंग दाल खिचड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बाउल लिया है और एक कप हमने चावल लिए हैं। तो फ्रेंड्स, जो बारीक वाले चावल होते हैं वही हमने लिए है। एक कप हमने मूंग दाल ली है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर कोई भी चावल ले सकते हो। अब हम चावल और दाल को अच्छे से 2 से 3 बार धो लेंगे। तो हमें अच्छे से धो लेना है फ्रेंड्स, पूरा स्टार्च चावल का निकल जाए। दाल और चावल को हमने धोकर रख लिया है। अब हम खिचड़ी बनाने के लिए हमने कुकर लिया है। मैं कुकर में खिचड़ी बना रही हूँ। कुकर को हमने गैस के फ्लेम पे रख दिया है और 2 चम्मच हमने ऑयल लिया है। तो ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे और 1 चम्मच हमने जीरा लिया है। तो जीरा को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, जीरा अच्छे से फ्राई हो गया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हमने रफली चॉप करके लिया है। तो अब हम प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़े से हमने कट किए हुए लहसुन लिए हैं, तो लहसुन को हम ऐड कर देंगे। आप चाहो तो फ्रेंड्स, लहसुन की जगह पे लहसुन अदरक का पेस्ट भी ले सकते हो। 1 चम्मच हमने ग्रेट करके अदरक ली है, तो अदरक को हमने ऐड कर दिया है। थोड़े से हमने करी पत्ता लिए है, करी पत्ता को भी हमने ऐड कर दिया है। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और 2 हमने टमाटर लिए है और टमाटर को हमने एकदम फाइन कट कर लिया है। 2 से 3 हमने हरी मिर्च ली है, हरी मिर्च को इस तरह से हमने कट कर लिया है। और हरी मिर्च और टमाटर को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 1/2 कप हमने सूखे मटर लिए हैं। फ्रेंड्स, जो सूखे वाले मटर होते हैं और उसको भिगोकर हमने लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे फ्रोज़न मटर ले सकते हो, पर मैंने ये वाले मटर लिए हैं। मटर को हम डाल देंगे। और 2 हमने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को भी हमने कट करके लिया है, तो आलू को हमने ऐड कर दिया है। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो 1/4 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है और 1 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच हमने गरम मसाला लिया है। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा हम मसालों को भून लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये मूंग दाल खिचड़ी में सिंपल तरीके से बना रही हूँ और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। बनाने में उतनी आसान है, उतनी ही खाने में टेस्टी है। तो यहाँ पे मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं। अब हम प्रेशर कुकर में मूंग दाल और चावल को डाल देंगे। पहले हमने दाल और चावल को धोकर रखा है, तो अब हम कुकर में डाल देंगे। दाल और चावल को हमने कुकर में ऐड कर दिया है। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। दाल और चावल को हमने मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड्स, दाल और चावल हमारे अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए मसालों के साथ। तो यहाँ पे दाल और चावल हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। 2 कप हमने दाल और चावल लिए हैं, तो हम इसमें 5 कप पानी डालेंगे। आपको फ्रेंड्स थोड़ी पतली खिचड़ी चाहिए तो आप इसमें 6 कप पानी डाल सकते हो। तो यहाँ पे 2 कप के लिए हमें 6 कप पानी बराबर होता है, पर मैंने यहाँ पे 5 कप ही ऐड किया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा कर 2 से 3 सीटी आने तक अच्छे से खिचड़ी को पकाएंगे। 2 सीटी हो गई है फ्रेंड्स, तो अब हम कुकर को बंद कर लेंगे। कुकर का प्रेशर रिलीज हो जाएगा तब हम कुकर के ढक्कन को खोल लेंगे। कुकर के ढक्कन को हम निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी खिचड़ी यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। मूंग दाल खिचड़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, मूंग दाल खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है और बहुत ही आसान तरीके से बनती है और खाने में भी ये टेस्टी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।